जिला परिषद कार्यालय कोटा जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पीपलता विधायक राम नारायण मीना एवं रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर मुख्य अतिथि रहे एवं बैठक कार्यक्रम आयोजित करता जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना एवं जिला परिषद मुख्य कार्यकारी ममता तिवारी के समक्ष हुई जिला परिषद बैठक। बैठक में जिला परिषद के समस्त पंचायत समिति प्रधान एवं जिला परिषद सदस्य रहे मौजूद। बैठक में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल ने क्षेत्र की समस्त पंचायत समितियों में जन समस्याओं को प्रमुखता से जिला अधिकारियों के समक्ष रखकर जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। इटावा पंचायत समिति प्रधान रिंकू मीना ने क्षेत्र की समस्या उठाई और क्षेत्र की समस्या को जल्द पूरा करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में जिला परिषद सदस्य उमा सिंगल वार्ड नंबर 18 के सदस्य द्वारा क्षेत्र में नल बिजली रोड समस्याओं के बारे में अधिकारियों को अवगत करवाते हुए कहा कि जल्द ही समस्या को दूर करें जिससे जनता को जल्दी लाभ मिल सके एवं पंचायत समिति सुल्तानपुर प्रधान कृष्णा शर्मा ने भी अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया और जल्द समस्या का समाधान करने के लिए कहा एवं जिला परिषद सदस्य योगेंद्र नंदवाना द्वारा भी क्षेत्र की समस्याएं बताई और 15 दिनों में समस्या का हल नहीं किया तो जिला परिषद धरना पे बैठूंगा और कहा कि 15 दिनों में समस्या का हल नहीं किया तो जिला परिषद मैं दूंगा धरना। जैसे साहब आप क्या नाम से आज जिला परिषद कार्यालय कोटा आए हो तो आपकी साधारण मीटिंग थी जो अधिकारियों के साथ थी और इसमें बड़े बड़े अधिकारी जनप्रतिनिधि भी आए हैं तो इसमें आपने जनता के पक्ष में क्या मांग की? सर मेरे 118वें में पानी की बहुत परेशानी है, लोगों को पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे मैंने हैंडपम्प की मांग करी है कि भाई मेरे 18वें में हैंडपम्प लगाया जाए ताकि सभी लोगों को पीने का पानी अच्छे से मिल सके। सभी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है पानी नहीं मिलने के कारण, तो मैंने ये समस्या मेरी जिला परिषद के सामने रखी थी तो उन्होंने कहा अभी प्रस्ताव देंगे ये बोल रहे हैं। जैसे सर आज आपके जिला परिषद कार्यालय में जो मीटिंग हुई आपकी साधारण बैठक मीटिंग के माध्यम से तो उसमें आपने जनता के हित में क्या क्या मांग? जनता के हित में तो एक तो जो पीएम आवास आ रहे हैं लोगों को तो ना तो उनको मिट्टी मिल रही, ना पत्थर मिल रहा, ना रेत मिल रही, तो इन लोगों से वंचित है लोग, तो इसे कैसे बनाएंगे? गवर्नमेंट दे तो रही है मकान, ले बनाएंगे कैसे? ये मेरा मेन मुद्दा है। जैसे प्रधान साहब आपने इटावा पंचायत समिति की तरफ से क्या मांग की? बिंदुवार मांगे रखी है, जो बिंदु सामने आता गया उस पर बोलता गया। अब पूरी डिटेल तो मैं आपको अभी तो कैसे बताऊँ, आप बिंदुवार पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ। और क्या नाम से डायरेक्ट साहिबा से भी बात की प्रधान साहिबा से, तो प्रधान साहब सुल्तानपुर पंचायत समिति सुल्तानपुर से भी बात करने की कोशिश करते हैं तो इनसे पूछते हैं आपके क्षेत्र में आपने क्या विकास कार्य मांगे? मंडावरा रोड की चर्चा की है मैंने वहाँ। मंडावरा रोड की चर्चा की है, ये भी काफ़ी दिनों से मंडावरा रोड भी काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, मतलब कच्चा रास्ता है जो विधायक रामनारायण मीणा ने भी इनके लिए जनता के लिए मतलब क्षेत्र में आने जाने का जो रास्ता है जो स्टेट हाईवे में जोड़ता है उसके लिए इन्होंने प्रधान साहब ने पंचायत समिति सुल्तानपुर ने मांग की है। और आपकी दूसरी मांग क्या रही? जी दूसरी मांग मेरी हमारे तालाब ग्राम पंचायत से 18 वार्ड नंबर 18 में फतेहपुर से सड़क पंचायत तालाब से मुख्यालय से नहीं जुड़ी हुई है तो वो क्या नाम से 2.5 किलोमीटर की दूरी है केवल, तो अभी तक भी सड़क जुड़ने का, अब उससे सभी लोग बागों को बहुत परेशानी होती है, आने जाने में कीचड़ में बहुत परेशानी होती है सभी गांव वालों को, तो वो सड़क फतेहपुर से और तालाब तक जोड़ी जाए। उसमें अधिकारियों ने क्या क्या संतुष्ट जवाब दिया? हमें बोला कि हम अभी प्रस्ताव देंगे उसी के बाद आपको बताएंगे। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम उमा सिंगल, नाम जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 18 से। ये आज हमारी जिला परिषद के गठन के बाद बड़ी एक साधारण बैठक है और ये गांव ग्रामीण क्षेत्र की एक तरीके से सरकार जो गांव की समस्याएं हमने चुनाव के बीच में रहकर सभी माननीय सदस्यों ने देखी है, उनको समझा, उन समस्याओं पर एक एक विषय पर चर्चा की है। जितने एजेंडे में दो थे स्वास्थ्य और सड़क, लेकिन जो पीड़ा है इन 3 साल के शासन में
तो हर पीड़ा को सदस्यों के द्वारा एक अच्छे तरीके से अधिकारी के सामने रखा है, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे चिकित्सा की समस्या हो। शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार का शहरीकरण, शहर के लोगों को सुविधाएँ मिलती है, हमने मांग की कि वो सुविधाएँ सारी ग्रामीण क्षेत्र में मिलनी चाहिए ताकि गाँव का पलायन रोका जा सके। सड़कों की है मेरे क्षेत्र में, जैसे मैंने उनके सामने मुद्दा रखा कि तीन चुनाव में लगातार बहिष्कार के बाद भी प्रशासन की आँखें नहीं खुली, और जो एक गाँव की समस्याएं जो कुछ समय पहले किसी समाचार पत्रिका के माध्यम से भी दिखाया गया था, और मेरा जो क्षेत्र है उसमें अन्य गाँव है जिसमें पिछले तीन चुनाव से बहिष्कार हो रहा है, उसमें तीन तीन फीट मुख्य सड़क पर एक ही सड़क के गाँव के निकलने की आने की जाने की, उस सड़क पर तीन तीन फीट भिगने में पानी भरा हुआ है, और कीचड़ इतना है कि अगर गाड़ी उसमें उतार दो तो महीनों तक उसकी बदबू नहीं जाती। ऐसी स्थिति में चिकित्सा विभाग को कहा कि आप मौसमी बीमारियों को रोकथाम करने के लिए इस प्रकार से घर में अगर किसी के कूलर में 8 दिन पुराना पानी भरा है उसको नोटिस देते हो, तो आपने क्या किसी प्रकार से पंचायत को, पंचायत समिति को या किसी प्रशासन को कोई नोटिस दिया कि आप इस तरह की महामारी गाँव में फैला रहे हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रशासन की है मुख्य सड़क पर, तो आपने किसी अधिकारी को नोटिस दिया क्या कि आप ये फैला रहे हैं, इसके लिए आप दोषी हैं? वो कहते हैं हम व्यक्तिगत वो नहीं दे सकते। मैंने क्यों नहीं दे सकते, जब व्यक्ति को आप दे सकते हो तो पूरे गांव को मारने वाले जो अधिकारी बैठे मीटिंग में नोट किया, कल ही बैठक है, अधिकारी से भी चर्चा हुई उनकी, जो हमारे चुनावी सदस्यों की, उनका आश्वासन मिला है माननीय कलेक्टर साहब का, अगली बैठक से वो सारी जानकारी उसके जो भी आज अधिकारी अगली अधूरी जानकारी के साथ आए, अगली बैठक से पूर्व वो पूरी जानकारी लाएंगे और उसका जवाब बैठक में यही उपस्थित होकर। कोटा शहर से कोटा ब्यूरो चीफ मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट, आनाई भारत। कोटा जिले के बूढ़ादित थाना क्षेत्र के उम्मीदपुरा गांव के पास से निकल रही ट्रेन में आज एक युवक का शव मिला। जिस जगह शव मिला वहां ट्रेन के नजदीक ही थाकाजी महाराज का मंदिर भी स्थित है। शव पूरी तरह से सड़ा गला हुआ था। शव को कोटा MBS की मोर्चरी में रखवाया है। यहाँ से मृतक पहचान सुल्तानपुर निवासी मुकेश भूरिया के रूप में हुई है। ये हत्या है, यह हादसा पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो यहाँ रोज आते हैं, कल तक ये शव नहीं था। आज सुबह शव दिखाई देने पर ग्रामीणों ने मौके पर ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़ोद चौकी इंचार्ज हेड पहुंचे मौके पर। बूढ़ादीप थाना SHO अविनाश मीणा ने बताया कि उम्मेदपुरा गांव के पास थाकाजी महाराज के मंदिर के पास से निकल रही ट्रेन में एक शव मिला है। शव 8 से 10 दिन पुराना है। जिस जगह शव मिला वहां ड्रेन में करीब 2 से 2.5 फीट पानी है, जिस वजह से शव आसानी से दिखाई पड़ रहा था। मृतक की पहचान हुई है। परिजनों ने बताया कि मुकेश मंदबुद्धि है, वो घर से कभी भी भाग जाता था। वो यहाँ कैसे पहुँचा इसके बारे में जांच की जा रही है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस डेड बॉडी की सूचना आपको कैसे मिली, कैसे पता चला? कोई लेटरिंग करने आया था उसको मालूम हुई। तो ये कौन से गाँव की घटना है? उम्मेदपुरा कॉलोनी। थाना कौन सा लगता है? आपको पता चला? 2-3 दिन बेड़े हो रहे थे, मतलब 2-3 आदमी। अच्छा, तो पता लगा कोई आप पहचान में आ रही कि नहीं किसी पहचान नहीं है। ये कल तो नहीं थी यहाँ पर, रात में फेंकी गई बैठ साहब आज रात में। हाँ, कल नहीं थी, डेली लेटी करने आते हैं। वो तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बहुत पुरानी हो। आज दिखी हो तो पहले नहीं थी। तो इसकी शिकायत आपने, इसकी सूचना कोई थाने में वगैरह? थाने में फोन किया था, फोन कर दिया थाने में। कहाँ, किससे बात हुई थी? तो बात से बात हुई थी। हाँ दोस्तों, शमशान घाट के पास आप तो सीधे आ जाओ, मैं ही खड़ा हूँ रोड पे, मैं रोड पे भीड़ खड़ी। तो सर इसकी जानकारी आपको कैसे चली? डेड बॉडी किसी ने टेलीफोन किया था जी कि साहब यहाँ डेड बॉडी पड़ी है जी। हम चौकी का स्टाफ, सारा स्टाफ यहाँ इकट्ठा हो गया, डेड बॉडी देख के भाई अधिकारी उच्च अधिकारी आ रहे हैं, उसमें निवेदन कर दिया गया है। तो सर आप कौन से थाने से हो? मैं बड़ा भी चौक थाने से, बड़ा पुलिस चौकी से, सूर्य साइड पहुँच गए। ये आज सुबह जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि उम्मेदपुरा गांव के पास कोई ड्रेन में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पे मौके पे गए, वहाँ जो ग्रामवासी थे उनसे उसकी शिनाख्त के प्रयास करे आसपास में,
उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, फिर उसको हम शिनाख्त के लिए MBS हॉस्पिटल में लेके आ गए। तो यहाँ जानकारी मिली कि ये जो मृतक है ये इसका नाम मुकेश उर्फ भूरिया सुल्तानपुर निवासी है। तो इसके परिजनों से अभी संपर्क करके जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करी जाएगी। सर वहाँ कैसे पूछा जानकारी, अभी जांच होगी उसके बाद पता चलेगा, फिर जो भी है वो जांच में सामने आएगा। परिजनों का कहना है कि ये थोड़ा दिमाग से मंदबुद्धि था और कई बार पहले भी घर से जा चुका है, बगैर बताए चले जाना फिर वापस आ जाना, ऐसा कुछ बता रहे हैं। जांच करेंगे जो भी जैसा रहेगा। बिल्कुल हाँ, परिजन आ रहे हैं, वो पोस्टमार्टम कार्रवाई, परिजन आने के बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जाएगी और बाकी इसमें रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। मैं SHO बूढ़ादीत अविनाश कुमार मीणा, कोटा, ब्यूरो चीफ मुकेश गोस्वामी, R9 भारत।